अक्सर यही क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में भी मिलता है कि विन फॉरन हाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर आर इक्वल वो कौन सा पॉइंट होता है जिस फॉरन हाइट और सेल्सियस दोनों स्केल्स की रीडिंग सेम आती है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और ईटा नेट एट्सट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन टूडेज टॉपिक सो इन ऑर्डर टू डू दिस यहां पे हम कन्वर्जन फार्मूला लिख देंगे जो सेंटीग्रेड और फॉरन हाइट के कन्वर्जन फार्मूलाज है फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक लिखता हूं c इज इक्वल टू डिडेड बाई वन पॉइंट एट ये फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से हम फॉरन हाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले को आप लोगों ने अक्सर इस तरह भी देखा होगा कि C इज इक्वल टू F माइनस थर्टी टू एन टू फाइव बाई नाइन सो ये इन दोनों का मतलब सेम है ये फार्मूला और ये फार्मूला ये दोनों सेम है सो इट्स अप टू यू यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एंड यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फॉर सिंप्लिसिटी आई विल यूज दिस फार्मूला ओके इनऑर्डर टू फाइंड आउट हमें पता नहीं है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फॉरनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस दोनों की रीडिंग सेम है लिहाजा टू फाइंड आउट देट टेम्परेचर वी विल टेक सी एज अनोन चूंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फॉरनहाइट की रीडिंग सेम है तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में ले ले तो वो अनोन है अभी हमारे लिए एंड और अगर हम फॉरन हाइट ले ले तो वो भी हमारे लिए अन ठीक है सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड एफ इन दिस इक्वेशन ये इक्वेशन हमारे साथ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट यह हमारे पास हो गया हमारा क्वेशन वन पॉइंट एट वेलकम टू दिस साइड सो यह हो जाएगा जब वन पॉइंट एट यहां पर आ जाएगा तो यह हो जाएगा एक्स इन टूंस थर्टी टू यान पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थर्टी टू वन पॉइंट एट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया अब ये एक्स जो है इसको हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.8x और जब ये x यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां पे रह जाएगा माइनस थर्टी टू से अगर हम x को माइनस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 0.8x पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी या फिर x इज इक्वल टू हम x मालूम करना चाहते हैं तो 0.8 पॉइंट एट यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई जीरो जब हम माइनस थर्टी टू को जीरो पॉइंट एट पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो क्या है वो है माइनस फोर्टी So, this means that माइनस फोर्टी वो टेम्परेचर है जिसको अगर हम सेंटीग्रेड में ले ले और इसको हम Fahrenheit में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारे पास माइनस फोर्टी आएगा और अगर तब भी हमारे पास माइनस फोर्टी जवाब आएगा अब हम देखते हैं किस कैलकुलेट किया ये अब वाकई में वो फॉरन और सेंटीग्रेड में सेम है या नहीं कन्वर्ट करने के लिए हम ये दो और ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सो, so, -40 डिग्री फारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव डी फॉर्मूला, C is equal to F minus 32 divided by 1.8। हमने फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ F हेयर, तो ये हो जाएगा, minus -40 minus 32 या सी इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस सेवेंटी टू डिवाइड बाई वन पॉइंट एट इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस सेवन ट्वेंटी डिवाइड बाई एटीन और जब हम सेवन ट्वेंटी को एटीन पे डिवाइड कर लेते हैं तो वी गेट द आंसर माइनस फोर्टी डिग्री सो द आंसर इज माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब है कि अगर हम माइनस फोर्टी डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस ग्रेड में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास जवाब वही आएगा माइनस फोर्टी डिग्री और वो सेल्सियस होगा इसी तरह अगर हम माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं फारेनहाइट में तो वी विल प्रोसीड एस हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू सी एन टू वन पॉइंट एट प्लस थर्टी टू हमारे पास ये फार्मूला है so we will put the value of c which is minus 40 so f is equal to minus 40 into 1.8 plus 32 हमारे पास ये हो जाएगा जब हम minus 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा minus 72 और ये plus 32 आ जाएगा so जब हम minus 72 से थर्टी टू एड कर लेते हैं तो हमारे पास अगेन जवाब आता है माइनस फोर्टी डिग्री लिहाजा यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया अगर हम माइनस फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फो माइनस फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस के बराबर है और अगर हम माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस को फारनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस माइनस फोर्टी डिग्री फारनहाइट के बराबर है इसका मतलब है कि दिस टेम्परेचर माइनस फोर्टी डिग्री इज द ओनली टेम्परेचर एट विच द फारनहाइट एज वेल एज द सेल्सियस स्केल को इन साइड सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्यूअर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो